नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पाथफाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फुल टाइम स्पेशलिस्ट या फिर पार्ट टाइम स्पेशलिस्ट पोस्ट के बारे में ESIC में, जिसकी वैकेंसी निकली है और ये वैकेंसी वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भरी जाएगी। इसके लिए जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो PG डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए कंसर्न स्पेशलिटी में और रजिस्टर्ड होना चाहिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। जो ज़रूरी वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए वो PG डिग्री और इक्विवेलेंट होना चाहिए कंसर्न स्पेशलिटी में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए PG डिग्री के बाद और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्न स्पेशलिटी में PG डिप्लोमा के बाद। ये वॉक इन इंटरव्यू है दोस्तों, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ इंटरव्यू भी गिवन है, जो है ESIC हॉस्पिटल वापी, नियर KBS कॉलेज वापी, सिलवासा रोड वापी। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए अटैचमेंट को गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन गिवन है, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि एज लिमिट, नंबर ऑफ वैकेंसीज, प्लेस ऑफ पोस्टिंग। ऐसी सभी जानकारी के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं और वहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तो वो कुछ इस तरह से ओपन होगा। इंटरव्यू की जो डेट है वो है 19 मई 2022, स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने की 19 मई 2022, लास्ट डेट है 19 मई 2022। वैकेंसी साथ ही है दोस्तों, एप्लीकेशन मोड ऑफलाइन है और उसी के साथ टाइमिंग गिवन है इंटरव्यू की। रिपोर्टिंग टाइम जो है डॉक्यूमेंट सबमिशन का वो है सुबह 9 बजे से सुबह 11 बजे तक। 11 बजे के बाद अगर कोई भी कैंडिडेट आएंगे तो उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी निकली है वो भी गिवन है। चेस्ट फिजिशियन के लिए एक पोस्ट निकली है, डर्मेटोलॉजी और STD के लिए एक पोस्ट निकली है, ENT, ओटो, रहीनो, टेरिनोलॉजिस्ट के लिए एक वैकेंसी निकली है, जनरल मेडिसिन के लिए एक वैकेंसी निकली है, ऑर्थोपेडिक्स के लिए एक वैकेंसी निकली है, पैथोलॉजी के लिए एक वैकेंसी निकली है, रेडियोलॉजी के लिए एक वैकेंसी निकली है। टोटल 7 वैकेंसी निकली है दोस्तों। और कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए उसकी जानकारी गिवन है, वेन्यू गिवन है यहाँ पे, कैटेगरी रिजर्वेशन जो है उसकी जानकारी गिवन है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस गिवन है, एज लिमिट जो है 69 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन गिवन है, फुल टाइम के लिए जो रेम्यूनरेशन है वो है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ और पार्ट टाइम का जो रेम्यूनरेशन है वो है 60,000 पर मंथ। ड्यूटी और वर्किंग आवर्स के बारे में जानकारी गिवन है, टेन्योर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गिवन है, अप्लाई कैसे करना है वो भी गिवन है। एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अपनी एप्लीकेशन को प्रॉपरली फिल करके प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में वॉक इन इंटरव्यू में अपॉइंटेड डेट और टाइम, फोटोग्राफ लेके जाना होगा टेस्टेड फोटोकॉपीज़ के साथ और ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स के साथ, डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट करना है उसकी जानकारी गिवन है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू वाले दिन अपने साथ लेके जानी होगी। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट गिवन है, जो है www.esic.nic.in, आप विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन से रिलेटेड अन्य जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है तो आप इसे अच्छे से गो थ्रू करें, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल में गिवन है। एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करना होगा, सारी डिटेल्स फिल करनी होगी तो आप इसे एकदम करेक्टली फिल करें दोस्तों, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मैंने आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी सुनिश्चित कर दी है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप लोग की मदद के लिए एक्सप्लेन कर दिया है, पर अगर आप फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो आप हमारे फोरम community.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग के लिए डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नीचे एक रिप्लाई बॉक्स के बना, जहाँ पर अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो या डिस्कशन स्टार्ट करना चाहते हो तो राइट रिप्लाई सेक्शन पर जाके रिप्लाई करके इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं फेलो कैंडिडेट्स के साथ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।